आज की वीडियो में हम देखेंगे हॉल्टर मॉनिटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इन सब चीज़ों को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती हूँ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ हॉल्टर मॉनिटर। हॉल्टर मॉनिटर एक हमारे पास स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड मेडिकल डिवाइस है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की होती है उसको 24/7 मेजर करती है या फिर रिकॉर्ड करती है। अब आपके हार्ट के अंदर इरेगुलर रिदम्स आ रही हैं तो उसको मेजर करने के लिए हम हॉल्टर मॉनिटर का यूज़ करते हैं। वो आपकी ECG को 24/7 आर रिकॉर्ड करती है, स्टोर करती है। देन डॉक्टर आपकी ECG को, जो आपकी 24 आवर्स के अंदर किसी भी टाइम कोई अबनॉर्मलिटीज़ आई है तो वो उसको चेक करता है, देन उसकी बेसिस पर डायग्नोज करता है। अगर हम बात करें ECG की, तो ECG में क्या होता है, अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता हॉल्टर मॉनिटर के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ ये क्योंकि आपकी बॉडी पर ये इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, लगाने के बाद आप इजीली अपना काम कोई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नहीं, यानी कि इसके लिए आपको हॉस्पिटल एडमिट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी वक्त रिदम इरेगुलर रिदम आती है तो वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा हॉल्टर मॉनिटर। इसके लिए आपको ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो सिर्फ अपनी एक इरेगुलर रिदम को देखने के लिए। आपको क्या है, आप हॉल्टर मॉनिटर लगाया और आप अपने डेली की काम भी कर सकते हैं हॉल्टर मॉनिटर को लगाकर। आपको ये नहीं है आप हॉस्पिटल में जाएंगे 24/7 के लिए आपको वहाँ पर बैठना पड़ेगा, आपकी चेस्ट इलेक्ट्रोड लगे हुआ, आप एक स्टिल पोजिशन के अंदर है। अब आपके पास क्या है, वो आपको आपको एक स्टिल पोजिशन में आप कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन पोर्टेबल हॉल्टर मॉनिटर की वजह से आप अपने डेली रूटीन के काम भी कर सकते हैं, आपकी इरेगुलर रिदम्स भी रिकॉर्ड हो रही हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से हमारे पास ECG काम करती है, जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं ECG के अंदर, इसके अंदर भी हमें इलेक्ट्रोड चेस्ट पर लगाने होते हैं। उसके बाद आपकी हार्ट की एक्टिविटी को ये रिकॉर्ड करता है 24/7 या फिर इससे भी ज़्यादा 48 आवर्स तक के लिए, तो ये आपके हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। अगर आपकी किसी भी वक्त दिन में आपको एरिथमिया होता है, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट होती है, फिर इरेगुलर रिदम होती है, तो ये उसको रिकॉर्ड कर लेता है। फिर आप जब इसको रिमूव करते हैं 24 आवर्स के बाद, तो आपका डॉक्टर डायग्नोज करता है, इसको देखता है कि आपको किस वक्त एरिथमिया हुआ है। तो हॉल्टर मॉनिटर को समटाइम हम ये भी कहते हैं कि एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ECG, तो ECG को डिफाइन करना ज़रूरी है। ECG हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिकॉर्ड करता है जो हमारे हार्ट से आ रहे होते हैं, ताकि उसकी बेसिस पर हम हार्ट की डिफरेंट कंडीशन को या फिर एबनॉर्मलिटी को डायग्नोज कर सकें। किस तरीके से होता है, चेस्ट पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और हार्ट से सिग्नल को ऑब्जर्व किया जाता है कि उसकी क्या एक्टिविटी हो रही है। आप देख सकते हैं हार्ट यहाँ पर पंप कर रहा है, तो किस तरीके से हमारे पास एक ये सिग्नल बन रहा है, किस तरीके से हार्ट की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ST वेव फॉर्म बन रही है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ECG का डेफिनेशन है। ECG क्या होती है मैंने आपको ये बता दिया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हॉल्टर मॉनिटर है, इसके साथ जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको हम चेस्ट पर प्लेस कर देते हैं। किस तरीके से प्लेसमेंट होती है, एंथोवियन ट्रायंगल बनता है पूरा, आप देख सकते हैं, इसके इंटरनेट पर पिक्चर अवेलेबल है किस तरीके से हम इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट करते हैं। अब हॉल्टर मॉनिटर क्योंकि पोर्टेबल है हमारे पास, तो हम इसको अपनी पॉकेट के साथ अटैच कर सकते हैं और हम पूरा दिन अपने डेली रूटीन के काम कर सकते हैं और हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाएगी। रिकॉर्ड होने के बाद जब आपकी 24 आवर कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप ये डॉक्टर के पास जाएंगे, इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड होगा डॉक्टर कंप्यूटर के अंदर डालेगा, सॉफ्टवेयर के अंदर खोलेगा, उसके बाद जो आपकी किसी भी वक्त किसी भी टाइम अगर आपकी एबनॉर्मलिटी आई होगी तो वो उसको देखेगा, डायग्नोज करेगा उसके बेसिस पर कि आपको क्या हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास हॉल्टर मॉनिटर पूरा वर्क करता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि हम ये क्यों करवाते हैं। जब आपको कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर इरेगुलर रिदम या फिर एरिथमिया हो, तो जब ये करवाया जाता है। अब ECG क्यों नहीं करवा रहे, ECG इसलिए नहीं करवा रहे हॉस्पिटल में जाकर, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक स्टिल पोजीशन के अंदर बैठना पड़ता है, आपको मशीन के साथ बिल्कुल स्टिक रहना पड़ता है, मतलब आप लेटे हुए हैं और आप मतलब कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन हॉल्टर मॉनिटर का ये फ़ायदा है कि आप अपने डेली रूटीन के काम कर सकते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किसी भी टाइम हो रही है, अगर आपकी फॉर एग्जांपल सुबह के वक्त हो रही है, तो आपका डॉक्टर डायग्नोज ईजी कर सकेगा, क्योंकि आप 24/7 अपने काम भी कर रहे हैं और आपकी आपकी बॉडी पर हॉल्टर मॉनिटर के इलेक्ट्रोड्स अटैच है और वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी कर रहा है। तो इससे आपके इरेगुलर हार्ट बीट का पता चल जाएगा, एरिथमियाज का पता चल जाएगा, कौन कौन से जैसे टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, इसके अलावा जो भी आपको
आपको हार्ट के रिलेटेड डिजीज होंगी तो वो इज डायग्नोज करने में आसानी हो जाएगी डॉक्टर को। तो इस वजह से हम हॉल्टर मॉनिटर का यूज़ करते हैं कि कोई भी इरेगुलरिटी हार्ट में आती है तो वो ईजिली डिटेक्ट हो जाती है, जो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से ईजिली नहीं आप कर ये देख पाते। सकते हैं हमारे पास हॉल्टर मॉनिटर कुछ इस तरीके का दिखने में होता है, बिल्कुल स्मॉल साइज हमारी मेडिकल डिवाइस होती है और इसमें पेशेंट केबल इस तरीके से होती है, पेशेंट पर इलेक्ट्रोड की अटैचमेंट इस तरीके से होती है, इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं ताकि, और फिर उनको स्टिक कर दिया जाता है, मतलब टेप वगैरह लगा दिया जाता है कि वो हिले नहीं अपनी पोजिशन से, और ये नहीं कि हमने लगा दिया और कहीं से हिल गए तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपकी रिकॉर्ड ही नहीं होगी। तो इस वजह से इसको प्रॉपरली जो है डॉक्टर हॉस्पिटल में जाकर अटैच करवा देते हैं, फिर उसके बाद आप अपने डेली रूटीन के काम करें, घर पर आ जाएं, और जब आपका 24 आवर कंप्लीट हो जाए तो हॉस्पिटल में जाकर इसको रिमूव करवा लें। तो इस तरीके से पेशेंट केबिन यहाँ पर होती है। ये है 12 लीड वाला, 5 लीड वाले भी हॉल्टर मॉनिटर आते हैं, तो 12 लीड की प्लेसमेंट हो जाती है इस तरीके से। अगर आप बात की जाए कि हॉल्टर मॉनिटर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हॉल्टर मॉनिटर के लगाने के बाद आप अपने डेली रूटीन के काम इजीली कर सकते हैं। जो डेली एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आपको शो नहीं करना है कि आपके आपके बॉडी के अंदर कुछ लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, आप 24/7 आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है और आप अपने डेली रूटीन के काम भी कर रहे हैं। जैसे ही 24 आवर कंप्लीट हुआ, आप डॉक्टर हॉस्पिटल गए, आपने चेस्ट इलेक्ट्रोड रिमूव करवाया, डॉक्टर ने आपसे हॉल्टर मॉनिटर लिया, उसमें जो CF कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड लगा हुआ था उसको PC में डाला, PC में डालने के बाद आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखा कि किस टाइम एबनॉर्मलिटी आई है। फॉर एग्जाम्पल सुबह के टाइम पर आई है तो क्यों आई है, एबनॉर्मलिटी को देखा, डायग्नोस करा उसके बेसिस पर कि क्या हुआ है, ब्रैडीकार्डिया या फिर इसके अलावा कोई और चीज़। अगर अब बात की जाए हॉल्टर मॉनिटर के पार्ट की, तो हॉल्टर मॉनिटर के अंदर हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, CF यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लैश मेमोरी कार्ड। इसके अलावा LCD स्क्रीन होती है और कीपैड होते हैं, जिसकी मदद से हम पेशेंट ID कार्ड या फिर सिलेक्शन करते हैं मेन्यू वगैरह की। ये हमारे पास 12 लीड वाला हॉल्टर मॉनिटर है, और हमारे पास बैटरी होती है। अगर आपके पास 24 आवर तक आपके पास AA2 AA अल्कलाइन बैटरी होती है, जो 24 आवर तक के लिए, अगर आपको 48 आवर के लिए चाहिए तो आप लिथियम बैटरी यूज़ कर सकते हैं, 2 AA लिथियम बैटरी को आप यूज़ कर सकते हैं। आपने मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई, आपने मतलब अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चार्ज कर सकते हैं बैटरी निकाल कर। चार्ज करने के बाद दोबारा जब आपकी स्टार्ट हो एक्टिविटी, तो दोबारा आप इसमें जो चार्ज सेल्स हैं वो लगा सकते हैं, तो ये रिचार्जेबल है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको हम ट्रबल शूट कैसे करेंगे। ट्रबल शूट करने के इसके हमारे पास के कौन कौन से वेज हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है ट्रबल शूटिंग में। फॉर एग्जांपल लो बैटरी हो गई तो आप क्या कर सकते हैं, बैटरी निकाल कर चार्ज कर सकते हैं दोबारा, फिर उसके बाद चार्ज कोड लगा सकते हैं। कार्ड ऐप अगर इसके अलावा आता है कि नो कार्ड, नो कार्ड का मतलब है कि आपका जो अपने कार्ड जो है यानी कि मेमोरी कार्ड जो है वो अपने कार्ड स्लॉट के अंदर प्रॉपरली फिट नहीं करा है, तो इस वजह से वो कार्ड एरर आ रहा है। देन हमारे पास इसके सॉफ्टवेयर का नाम होता है H-Scribe सिस्टम सॉफ्टवेयर। हर कंपनी का डिपेंड करता है, ये मैं आपको जिसका बता रही हूँ वो एक दूसरी कंपनी है, मोटारा। आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर भी आ रही है, तो मैं उसका आपको बता रही हूँ। इसके अलावा इलेक्ट्रोड आपके प्रॉपरली अटैच नहीं हुए तो उसका भी एरर आ सकता है कि आ सकते हैं। तो ये हमारे पास थी इसकी ट्रबल शूटिंग। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।